मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले के बाद से ही 500 और हजार के नोट को लेकर हाहाकार मचा है, लेकिन आज से आम लोगों को होने वाली परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। आज से बैंकों में 500 और 2000 के नोट नए मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ये प्रक्रिया कल एटीएम सेवा पर भी शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि लोगों को दिक्कतों को देखते हुए छुट्टी होने के बावजूद भी शनिवार रविवार को देश के सारे बैंक खुलेंगे। 500 और हजार के नोट बदलने में लोगों को दिक्कतें कम करने के लिए आरबीआई ने बैंक खुले रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही बैंकों में ग्राहकों के लिए अलग से कैश काउंटर भी खोले जाएंगे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ब्रांच आज शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, तो आईसीआईसी बैंक भी 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक कामकाज करती रहेंगी। 10 नवंबर से 30 नवंबर तक बैंक कैश डिपॉजिट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए कैश की भी लिमिट दोगुनी कर दी गई है। वहीं पीएनबी बैंक भी आज और कल शाम 4 बजे तक कामकाज करती रहेंगी। देश में आज से सभी बैंक खुल चुके हैं। इसके साथ ही बैंकों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। बैंक में किसी तरह की अफरा तफरी न मचे, लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न लें। इसको देखते हुए बैंक, एटीएम, डाकघर और अन्य वित्तीय संस्थानों में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप, मदर डेयरी बूथ, केंद्रीय भंडार, अस्पतालों, दवाखानों पर भी पुलिस को तैनात किया गया है। ऐसी तमाम जगह हैं जहां अफरा तफरी और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है, पुलिस वहां पेट्रोलिंग करेगी। वहीं बैंकों ने भी लोगों को धैर्य रखने की सलाह दी है। पांच सौ और हजार रुपए के नोट बंद करने के बाद लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 11 नवंबर तक देश के सभी नेशनल हाईवेज को टोल फ्री कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भी लोगों की परेशानियों को बचाने के लिए सभी स्टेट हाईवेज को टोल फ्री कर दिया है। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल ने भी 11 नवंबर तक ओपीडी में मरीजों के लिए इलाज मुफ्त कर दिया है। एम्स में भर्ती मरीजों से अगले 2 दिनों तक 500 से कम की फीस नहीं ली जाएगी। उधर दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को भी 11 नवंबर तक 500 और हजार रुपए के नोट के इस्तेमाल पर छूट दी गई है। नोटबंदी के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने आगाह किया है कि 500 और हजार के नोटों को बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख से अधिक नगद जमा कराने के मामले में यदि आय घोषणा में गड़बड़ी पाई गई तो टैक्स और 200% का जुर्माना भरना पड़ सकता है। राज्य सचिव हसमुख अधिया ने कहा है ट्विटर के जरिए कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक की अवधि के हर बैंक खाते में 2.5 लाख रुपए की सीमा से अधिक की सभी नकदी जमा की रिपोर्ट मिलेगी। अधिया ने कहा है कि आयकर विभाग इन डिपॉजिट का मिलान जमाकर्ताओं के आयकर रिटर्न से करेगा। अधिया के मुताबिक अगर जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उचित कार्रवाई की जा सकती है। अधिया ने यह भी कहा है कि खाता धारकों की तरफ से घोषित आय और जमा में किसी तरह की विसंगतियों और कर चोरी का मामला सामने आया तो कार्रवाई की जाएगी। जहां 500 और हजार के नोट बंद होने से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पुराने नोटों का गोरख धंधा भी शुरू हो गया है। कमीशन के बदले पुराने नोटों का बदला जा रहा है। गरीब अनपढ़ लोग 500 के नोट को 200 से 300 रुपए में एक्सचेंज कर रहे हैं, जबकि हजार का नोट 600 से 700 रुपए में बदला जा रहा है। इंडिया 24/7 आपको इस बारे में बताना चाहता है कि पैसे के किल्लत को दूर करने के लिए 500 और हजार के नोट कम दाम पर बेचना बेवकूफी तो है ही, साथ ही गैर कानूनी भी है। काले धन पर लगाम लगाने और आतंकवादियों की फंडिंग रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने इस फैसले को देश हित में बताया और कहा कि पैसे को लेकर लोगों की दिक्कतें जल्द ही दूर कर ली जाएंगी। 500 और 2000 के नए नोट आज से मिलने लगेंगे। मोदी सरकार के फैसले से लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की करेंसी चलन से बाहर हो गई है। सरकार ने कुछ समय पहले ये मन बनाया था, प्रधानमंत्री जी ने, कि जो हाई डिनोमिनेशनल नोट्स हैं 500 रुपए और 1000 रुपए के,
उनका लीगल टेंडर की दृष्टि से कैंसिल कर दिया जाए। और कल रात्रि से उनको कैंसिल कर दिया गया और 500 और 2000 सीरीज की नई करेंसी कल सुबह से बैंक और पोस्ट ऑफिस व्यवस्था की तरफ से दी जाए। यह निर्णय आर्थिक सुधारों की दृष्टि से भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, क्योंकि ये देश की फॉर्मल जीडीपी को एक्सपैंड करता है और उसको साफ भी करता है। इट एक्सपैंड द जीडीपी, इट मेक्स इट क्लीनर ऑल्सो, इट पुशेज रेवेन्यूज, इट पुशेज द जीडीपी, इट पुशेज मोर मनी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। और इसके स्वाभाविक लाभ रहने वाले हैं। काले धन पर सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस नेताओं की राय बटी हुई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। राहुल गांधी के मुताबिक पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो आम लोगों का ख्याल नहीं रखते। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर 1000 रुपए के नोट को 2000 रुपए के नोट में बदलने से काले धन की जमाखोरी पर बहुत मुश्किल बनाने में किस प्रकार मदद मिलेगी। राहुल गांधी का कहना है कि दरअसल अपराधी विदेशों में छिपाकर रखे गए अपने काले धन से चिपक कर बैठे हुए हैं, ऐसे में सरकार का दावा सही नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आगे बहुत बढ़िया श्रीमान मोदी भी कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार के फैसले से अब किसानों, छोटे दुकानदारों और गृहिणियों के लिए अत्यंत अस्त व्यस्त करने वाली स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि वो सरकार के फैसले का स्वागत करती है, लेकिन सरकार के इस कदम से फायदा नहीं होगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि 1978 में भी इसी तरह का प्रयास जनता पार्टी की सरकार ने किया था जो फेल हो गया था। चिदम्बरम ने कहा है कि मकसद ठीक है, लेकिन कामयाब हो पाता है या नहीं इस पर शंका है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी और आम लोगों को बरगलाने वाला बताया है, तो कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कहा है कि सरकार ये फैसला पहले लेती तो ज्यादा बेहतर होता। सरकार ने ये कदम जल्दबाजी में उठाया है। उधर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा है कि केंद्र सरकार आम आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही है, सरकार को इस फैसले को विथड्रॉ करना चाहिए। Yesterday, the government announced that currency notes of the denomination of rupees 500 and rupees 1000 will no longer be legal tender. The Prime Minister has justified the decision as part of a plan to crack down on black money. If the purpose of the decision is to unearth and stamp out black money and prevent its generation, it deserves our support. इस तरह का तुगलकी फरमान पूरी तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा और सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। शादियों का समय है, बुआई का समय है, रवि की फसल की बुआई होनी है, एक फसल कटी है, तो ये तो गरीब आदमी जो किसान है, जो छोटा दुकानदार है, उसके पेट पर सरकार ने लात मारी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम बड़े नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं जेडीयू की ओर से भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि काले धन पर रोक लगाने के लिए ये कदम जरूरी था। उम्मीद है कि इस फैसले से काले धन पर कुछ हद तक नकेल कसी जा सकेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम लोग काला पैसा का खिलाफ है, लेकिन ये क्या किया? इलेक्शन के आगे 2014 साल में बताया था जो बाहर से पैसा लाएगा और सबका अकाउंट में 15-15 लाख पैसा देगा, ये तो जुमला था। अब क्या किया? कुछ नहीं सोच के अभी बोल रहा है 500 नोट कैंसिल कर दो, 1000 नोट कैंसिल कर दो। आम आदमी यहाँ से खुद जा रहा है, कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग स्ट्रेट बोल रहा था तृणमूल कांग्रेस से, ये जो है ये सर्कुलर विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए।
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यह फैसला ऐतिहासिक है। हालांकि आम लोगों को इस फैसले से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन एक हफ्ते में वो सब से उबर जाएंगे और जिनके पास काला धन है उन्हें दिक्कतें होंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले का स्वागत किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश की जनता से सरकार के इस फैसले का पहल की साथ देने की अपील की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई दी है। भ्रष्टाचार पर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, यह ऐसा करारा प्रहार है कि देश की गरीब जनता इसी की प्रतीक्षा में थी। मैं एक कहना चाहता हूं कि आम आदमी को, सामान्य नागरिक को, जिसके पास काला धन नहीं उसको डरने की जरूरत नहीं। उसको एक आध दो सप्ताह थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देश हमेशा के लिए अच्छा बनेगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास है और भारत में भ्रष्टाचार तो बंद है भारत सरकार के फैसले में। अब देश पारदर्शिता की ओर आगे बढ़े उसका एक निर्णय है, मैं इसका बहुत ही स्वागत करता हूँ। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोट बंद होने को लेकर कहा है कि सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ग्रामीणों, गरीबों और किसानों को इस फैसले से कोई असुविधा नहीं हो। अखिलेश ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बैंकों की ब्रांच कम है, इसलिए ग्रामीण इलाकों के लिए स्पेशल शिविर लगाए जाने चाहिए। कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आज आपने 500-1000 रुपए बंद कर दिए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया कि इससे भ्रष्टाचार और काला धन नहीं आएगा। सुना है कि आने वाले वक्त में 2000 रुपए भी आ रहे हैं, तो 2000 रुपए आ रहे हैं तो 1000 रुपए रखने वाले इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब 2000 रुपए का पैसा आए। तो ये जहाँ परिवर्तन आना चाहिए मैं समझता हूँ वहाँ तक सरकारों को पहुँचना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 2000 रुपए के नोट जारी करने की जरूरत पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को डॉक्टर चंद्रा ने आजाद भारत के लिए बड़े आर्थिक सुधार के तौर पर बताया है। उनका कहना है कि 2000 रुपए के नोट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर चंद्रा ने ट्वीट के जरिए इस फैसले को कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का मानना है कि गरीबों के हक के लिए ये फैसला बहुत अहम है। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पीएम मोदी की तारीफ की है। गोपाल दास ने मोदी सरकार के काम की तारीफ करते हुए यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने का भरोसा दिया है। सुदृढ़ करने के लिए भाजपा का आना आवश्यक है, इसलिए लोग भाजपा की सरकार चाहते हैं। भाजपा की सरकार यदि आएगी तो मोदी जी के द्वारा देश का कल्याण होगा, संस्कृति की रक्षा होगी और धर्म की रक्षा होगी। और मोदी जी के कदमों को, उनके प्रयासों को सफल करें, यही भाजपा का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन की यात्रा पर जापान रवाना होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु करार पर दस्तखत होने की उम्मीद है। साथ ही सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ वार्षिक शिखर बैठक में शिरकत करेंगे और इसके अलावा जापान के सम्राट से भी मिलेंगे। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच भागीदारी और मजबूत करने के लिए पारस्परिक हित और द्विपक्षीय क्षेत्र एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। चीन पूर्वी और दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। इसको लेकर जापान के साथ उसका लगातार तनाव बना रहता है। इसको लेकर भी जापान और भारत के बीच बात होने की संभावना है। आपको बता दें कि जापान के पीएम शिंजो आबे ने पिछले साल दिसंबर में भारत की यात्रा की थी। 3 दिन की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जापानी पीएम ने इस यात्रा को सफल कहा था। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को मिली खबर के मुताबिक बारामूला में 2 विदेशी आतंकी देखे गए थे, जिसके बाद से सेना और सुरक्षा बलों ने फायरिंग की
इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए। वहीं कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान से कई पोस्ट पर भी भारी गोलाबारी की। सतलुज यमुना लिंक जल विवाद को लेकर 2004 में राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इस नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है। जस्टिस आर दवे की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने 12 मई को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस दवे ने 18 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और इस मामले में केंद्र ने कहा है कि राज्य इस मामले का निपटारा खुद करें, जबकि हरियाणा सरकार को इस बात की शिकायत है कि पंजाब सरकार शुरू से ही SYL मामले में मनमानी करता रहा है। हरियाणा का आरोप है कि पंजाब सरकार ने SYL निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया है। फिलहाल हरियाणा सरकार अपने हक के मुताबिक SYL के पानी के बंटवारे को लेकर कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुकमा जिले के हुई एक आदिवासी की हत्या के मामले में जांच के लिए राज्य CID को ट्रांसफर कर दिया है। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में आदिवासी सामनाथ बघेल की हत्या के आरोप में नक्सलियों और कुछ अन्य के साथ साथ DU की प्रोफेसर नलिनी सुंदर, JNU की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की है। नक्सलियों ने 4 नवंबर की रात सामनाथ बघेल और उनके घर पर धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी थी। बघेल और उनके साथ ही कुछ इस साल अप्रैल में उनके गांव में चल रही नक्सली गतिविधियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यूपी के कानपुर में सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसा बिदनू थाना क्षेत्र के बिनगवा इलाके का है। हादसा मारुति वैन और ट्रक की टक्कर के बाद हुआ। ट्रक इतना भीषण टक्कर हुई थी कि मारुति नाले में जा गिरी, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और JCB के जरिए कार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक कार में बैठे सभी 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार है और खालसी मौके से वो गायब है। यूपी के संभल में चुनावी रंजिश में महिला ग्राम प्रधान और उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। मामला थाना फतेहगढ़ इलाके का है। ग्राम प्रधानी चुनाव की रंजिश में हारे दबंग प्रत्याशी ने दर्जन भर लोगों के साथ ग्राम महिला प्रधान के घर धावा बोला और धुआंधार फायरिंग कर बुजुर्ग महिला ग्राम प्रधान के साथ उसके पति और 2 बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और फरार हो गए। पिछले कई दिनों तक प्रदूषण की मार झेलने वाले दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी की हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है। SAFAR के मुताबिक पिछले 24 घंटों के अंदर PM2.5 और PM10 में थोड़ा सुधार हुआ है। अगले कुछ दिनों में इसमें और कमी होने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और इस सिलसिले में राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने हरे पेड़ की कटाई पर रोक और खनन पर रोक और धरना प्रदर्शन करने वालियों की गाड़ियों को लखनऊ के बाहर रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को कूड़ा जलाने की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेने की बात कही है। मिशन 2017 के लिए वाम दलों ने भी कमर कस ली है। लखनऊ में बुधवार को लेफ्ट पार्टियों की बड़ी रैली हुई। इस रैली में CPM, CPI, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP और SUCI के नेता शामिल हुए। CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने कई बड़े नेता के साथ इस रैली में शामिल हुए। यूपी की 6 लेफ्ट पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेफ्ट पार्टियां यूपी में विधानसभा की करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है। ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे। 70 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में बनने वाले पहले सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप का मुकाबला 69 साल की हिलेरी क्लिंटन से था।
अमेरिका में हुए सीनेटर और कांग्रेस मेंबर के चुनाव में चार भारतीयों ने भी जीत दर्ज की है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस कैलिफोर्निया से सीनेटर चुनी गई हैं। कमला कैलिफोर्निया की पहली और अमेरिका की दूसरी अश्वेत महिला सीनेटर हैं। भारत में ट्रंप की जीत को सियासी दल अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्रंप की जीत को भारतीय युवाओं के लिए निराशाजनक बताया, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्रंप की जीत का स्वागत करते हुए इसे अमेरिका में मोदी की नीतियों की जीत करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के प्रभाव वाले राज्य ओहायो, नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा में जीत हासिल की है। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान हिंदुओं को लुभाने की पूरी कोशिश की थी। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं को लुभाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को हिंदुओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैन बताया था। ट्रंप के नए राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। ट्रंप की एशियाई नीति में भारत काफी करीब है, लेकिन पाकिस्तान और चीन काफी दूर है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन ट्रेड नीति बदले, इससे भी भारत को फायदा होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पानी भरने की समस्या से परेशान 14 महीने की मासूम संध्या को एमपी सरकार से मदद मिली है। सीएम के निर्देश के बाद सीएमओ हरकत में आए और डॉक्टर्स ऑपरेशन करने के लिए कहा गया है। इस मामले पर मासूम संध्या की मां ने जिलाधिकारी से मिलकर उनको सीएम से मिला लेटर दिखाया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्ची के इलाज का आश्वासन दिया था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के नवागढ़ इलाके में झांगी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार युवकों ने 11 साल की बच्ची पर एसिड फेंक दिया, जिससे बच्ची झुलस गई। पड़ोसियों की मदद से पीड़िता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में पहली बार दिल्ली जाने और राष्ट्रपति से मिलने के लिए उत्सुक दिखी। जिला प्रशासन द्वारा अबूझमाड़ के ओरछा में पढ़ाई कर रहे 44 छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है।